ये वाइट कॉटन क्लॉथ के ऊपर मैंने शू पॉलिश अप्लाई कर दिया है और सेम प्रोसेस से हम ग्रीस को भी हटा सकते हैं। नेक्स्ट डे को वॉश करेंगे। मैंने बेकिंग सोडा डाल दिया इसके ऊपर और इसे 5 मिनट तक सेट होने दीजिए। बेकिंग सोडा इसमें जो ऑयल है शू पॉलिश के अंदर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर दाग हल्का पड़ जाएगा, तो इसे साफ करना आसान हो जाएगा। और इसके बाद मैं इसे झाड़ दूंगी और फिर इस पर साफ करने के लिए फिर से बेकिंग सोडा अप्लाई करेंगे। इसको मैंने झाड़ लिया है। अब इसके बाद इसके ऊपर लगाना है डिश सोप और फिर से बेकिंग सोडा इसके ऊपर फैला रही हूँ मैं। स्टेन को पूरी तरीके से कवर करना है। अब थोड़ा सा लेमन ड्रॉप्स, लेमन जूस के ड्रॉप्स डाल देंगे हम। चाहे तो आप विनेगर डाल सकते हैं और इसका एक पेस्ट जैसा बना करके इसको 10 मिनट के लिए छोड़ना है और उसके बाद इसे रब करना है। तो ये मैं टूथब्रश की हेल्प से इसको रब कर रही हूँ। एक साइड से पहले मैं रब करूँगी। ये देखिए एक साइड से दाग गायब हो गया है। अब इसे दूसरी तरफ से भी हम ऐसे रब कर लेंगे। अगर आपके सिंथेटिक या कलरफुल कपड़े हैं तो उनके ऊपर से दाग जल्दी निकल जाता है। अगर ज़्यादा महंगे कपड़े हैं तो उसे ज़्यादा देर तक आप रब नहीं करें, अदरवाइज वो ख़राब हो सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं एक बार में दाग निकला है कि नहीं। अगर नहीं निकले तो आपको यही प्रोसेस दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। ये देखिए एक बार अप्लाई करने से ही दाग निकल गया है। मैंने इसके ऊपर लिख दिया है ग्रीस।